इसमें जो प्रदीप परिवार द्वारा जो एप्लीकेशन दिया है उसमें ये बात बताई गई कि उसमें से एक व्यक्ति से फोन पे बात हुई थी और फोन पे बात होने के बाद में बुलाया गया था। कार्रवाई जो भी उन्होंने एप्लीकेशन दिया है उसके आधार जो दो व्यक्तियों के नाम उसमें दर्ज कराए हैं, मुकदमा तत्काल दर्ज किया गया है। 24 घंटे के भीतर मेडिकल भी किया गया है और बयान के आधार पे और मुकदमे के आधार पे दो लोगों को गिरफ्तार किया है और CO उसी इसमें विवेचना कर रहे हैं। वो इसमें क्षमता से अच्छे से कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें हम ये भी आगे सुनिश्चित कराएंगे कि न्यायालय से दरखास्त करते हुए इसमें फास्ट ट्रैक में भी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे ताकि जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द सजा मिल सके। सर, किस धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है? जिसमें जो पीड़िता का बयान है उसके आधार पर 376D में मुकदमा तरमीम किया गया है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की भी धारा लगी है और SC ST एक्ट की। थैंक यू।